बाहर ना अब कम जाया कर। घर का कामकाज सीख, घर संभालना सीख, वही थारा भविष्य है। कुंवर साहब बुलावेंगे बीना तो तू कोनी जाएगी उनके सामने। मारी बात समझ में आई तारे को? मुझे डॉक्टर बनना है पानी भाई, और किसी को मेरी पढ़ाई का खर्चा उठाने की कोई जरूरत नहीं है। स्कॉलरशिप मिलती है मुझे, उससे पढ़ाई होती है मेरी, और ऐसा कोई कानून या नियम नहीं है ना कि आप जो कहेंगी वही होगा। पढ़ाई करना अधिकार है मेरा, कोई रोक नहीं सकता मुझे। बड़े पापा से मैं खुद बात करूंगी। अच्छा, तो पानी भाई की भी बात नहीं मानोगी तुम, और मेरी मर्जी वो भी मंजूर नहीं है तुम्हें? काकी साहब ने कुंवर साहब से घुलने मिलने के लिए मना किया था, पर पढ़ाई करना हक है मेरा, फैसला है। दुर्गा, घर में रहना है तो हमारे हिसाब से जीना होगा। दुर्गा, अपने बड़े पापा के सामने अपनी बात रख देना, वो तेरी बात को ना नहीं करेंगे। वो भी तो चाहते हैं कि तू आगे पढ़ाई लिखाई करे, और वैसे भी जिंदगी में आगे बढ़ना, पढ़ना लिखना ये कब से गलत हो गया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं कलर्स टीवी के नए शो दुर्गा की, जहाँ पर फिलहाल हमें काफी एक्साइटिंग ट्रैक देखने को मिलने वाला है। जी हाँ, यहाँ पर अब तक हमने देखा था कि भाई किस तरीके से दुर्गा और अनुराग यानी कि कुंवर साहब की दोस्ती इतनी गहरी है, इतना अटूट इनका रिश्ता है कि इनको कोई भी अलग नहीं कर सकता। और अब फाइनली वो मोमेंट आ गया था जिसका हमने और आपने बेसब्री से इंतजार किया था। जी हाँ, इस बार अनुराग यानी कि कुंवर साहब ने दुर्गा को अपनी दिल की बातें बताई, और कहीं ना कहीं मन ही मन में दोनों को एक दूसरे के बारे में पता है। दुर्गा को पता है कि अनुराग उससे बेहद प्यार करता है, और अनुराग को भी पता है कि दुर्गा भी उससे बेहद प्यार करती है, लेकिन दुर्गा को अपनी लिमिट्स पता है, अपनी बाउंड्रीज पता है, और उसे पता है कि इन दोनों का एक होना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इस वजह से दुर्गा जो है अपने डिस्टेंस को मेंटेन करके रखना चाहती है अनुराग के साथ, और वो जानबूझकर अपनी फीलिंग्स को, अपने प्यार को अनुराग से छुपाते हुए नजर आती है। और कहानी में हमें देखने को मिलता है कि भाई किस तरीके से बड़े प्यार के साथ इस बार अनुराग ने अपने प्यार का हार किया है दुर्गा को। और कहानी में हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर अनुराग दुर्गा से बताता है कि शहर में सारे लड़के लड़कियां साथ में पढ़ते हैं, और जब से लड़कियों को पता चला है कि मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, मेरे घर वाले कैसे हैं, मैं खानदानी हूँ, मेरे पापा क्या हैं, ये सब जानने के बाद मुझे कई सारे प्रपोजल्स आए, लेकिन क्या मजाल है कि मैंने कभी किसी को आंख उठाकर देखा हो, और अगर गलती से भी देख भी लिया हो तो मुझे उसमें सिर्फ और सिर्फ तुम नजर आती हो। तुम्हें ये क्यों नहीं समझ में आता कि मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ? जब मैं ये समझ सकता हूँ कि तुम से प्यार करती हो, पर तुम ये क्यों नहीं समझ सकती कि मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूं? और यहां पर अभी भी ये सब कुछ इतना सुनने के बाद भी हमारी दुर्गा जो है वो अनुराग से अपनी फीलिंग्स को लाख छुपाने की कोशिश करने वाली है, लेकिन वो यहां पर हमें देखने को मिलेगा कि अनुराग जो है वो पूरी तरीके से तैयार है अपने प्यार के लिए लड़ने के लिए। और कहानी में हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से अनुराग दुर्गा को कन्विंस करता है अपने प्यार को एक्सेप्ट करने के लिए, और कहता है कि अगर परिवार वाले हमारे इस रिश्ते की सबसे बड़ी रुकावट है तो हम कभी भी शादी नहीं करेंगे, ना ही दुर्गा कभी शादी करेगी और ना ही वो कभी शादी करेगा। और यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि दुर्गा जो है अपने रिश्ते को लेकर बेहद ज्यादा डरी हुई है, और आने वाले एपिसोड में ये देखना बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला है कि क्या करेंगे अब दोनों अपने इस रिश्ते को बचाने के लिए। और आने वाले एपिसोड में ये देखना बेहद इंटरेस्टिंग होगा कि पानी बाई दुर्गा का कैसे इस्तेमाल करने वाली है अनुराग के खानदान को बर्बाद करने के लिए।